जय हिंद मित्रों, सोनभद्र में बालू की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल माफिया पछताएगा जब तेरा प्राण जाएगा छूट। यह संक्षिप्त वीडियो आपने देखा, सोनभद्र की कहानी है, लेकिन जिम्मेदारों को यह सब कुछ दिखता ही नहीं और बड़ा दुर्लभ है। यह वीडियो उन्हीं लोगों में से लोगों ने मुझे उपलब्ध कराया है। आइए चलते हैं आगे विस्तार से। देखें आप, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, यह हमारा भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं अभी वाराणसी मिर्ज़ापुर आपने देखा, इधर अनपरा सिंगरौली ओबरा और रावर्सगंज के बीच में, यह आप जो देख रहे हैं सफ़ेद या सोन नद है, और इस तरफ आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ जो पीले कलर में है यह मार्ग है चोपन पुल पर बना हुआ। इसके आगे जब देखते हैं कि यहाँ आपने देखा एक भगवा लिखा हुआ है, चोपन लिखा हुआ है, और इस तरफ आइए ये देखते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यह रेणु नदी है, और बाईं तरफ से जो आगे की तरफ आ रही है वह सोन नद है, और यहाँ गाय घाट, गाय घाट लिखा है गाय घाट, इस साइड से आपकी बिजुल नदी। यहाँ पर सोन नद आप देखें, यहाँ सोमनाथ मंदिर, इसी के बगल में सोन नद से माँ रेणु और माँ बिजुल जाके आलिंगन करती हैं, अर्थात यहाँ प्रत्यक्ष संगम है, सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है। इसके बावजूद इसी के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रतिष्ठित श्रद्धा का केंद्र है, दर्शनीय स्थल है, लोग यहाँ पूजा अर्चना करने भी आते हैं। इसके संरक्षण संवर्धन की ज़रूरत है, लेकिन ठीक इसके बजाय आप देखें ऊपर जो दिख रहा है थोड़ा पीला लिए हुए, यह अपार बालू है, और ऊपर की जो आपने देखी यह सोन नद है जो कुछ कलर में दिख रहा है, और इस तरफ आप सफ़ेद जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है रेणु नदी है, और ये पीले कलर में दाहिने तरफ चौपन पुल था, और सीधे सीधे हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। यह देखें आप, गूगल ने भी अपने मैप पर इसको डाल रखा है, आप कोई भी देख सकते हैं। यह कृत्रिम पुल, अवैध पुल सोन नद में बनाया गया है, और इसी पर से ट्रकों का आना जाना, भार वाहनों का आना। हालांकि हम सभी जानते हैं कि सोन नद की धारा को बांधने का अधिकार किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं है। यह जल जीव जंतुओं के लिए अत्यंत घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है, और न जाने कितने जल जीव जंतुओं को इसमें नुकसान पहुँच चुका है। इसके बावजूद इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लग पा रही है। पिछले दिनों NGT की टीम भी आई थी, लेकिन हमको लगता है कि उसका भी कोई विशेष प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। लोग बताते हैं कि जांच करने, देखें फिर से आप देखते रहें इसको, या केंद्र में हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी कहीं से पूरे पृथ्वी पर कहीं से भी देख सकता है, या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के अगोरी किला के इर्द गिर्द जहाँ सोन संगम है वहाँ पर यह बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। इन लोगों की लीज कहीं और है जहाँ बालू ही नहीं है, और ये लोग सोन नद में कृत्रिम खुद पाट करके यहाँ पर अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी किए हुए हैं। देख सकते हैं ये बिजली का टावर है, और यह आवागमन है, इसी पर से ट्रकें आती जाती हैं। इस तरफ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रास्ता है, और ये बीच में सोन नद पर बांधा गया इन अवैध खननकर्ताओं के द्वारा पुल है। और बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि शासन स्तर पर, यहाँ से स्थानीय स्तर पर सूचनाएँ दी जाती हैं कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, पूरा राम राज्य है, जबकि ठीक उसके विपरीत हम कह सकते हैं कि पूरी तौर पर स्थानीय लोग नहीं बल्कि जिम्मेदार जो अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों के सह पर पूरी तौर पर रावण राज्य। एक देखें स्थान है, ये भगवा है ना, आप ऊपर देखें, बताते हैं लोग कि कुछ साइड में लोगों की लीजें हैं जहाँ पर बालू ही नहीं है, और इस तरफ आप देखें, ये देखें जो देख रहे हैं आप, ये घेरा में बना हुआ
कोई मकान नहीं है बल्कि ये ट्रकें खड़ी हैं। और ये देखिए आप सोच रहे हो कहीं समुद्र तो नहीं है, जलपोत तो नहीं है, ये कहाँ का सीन ऐसा हो सकता है। यह सब कुछ सोन नद के पेट में किया जा रहा है। फिर से एक बार आप देख लें जो स्थान हम आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से, इधर चोपन है, बगल में चोपन पुलिस थाना भी है थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं है। और पहले लोग बताया करते थे कि यहाँ 112 नंबर की गाड़ियाँ अक्सर खड़ी रहती थी, परंतु इन लोगों के किसी काम में कोई व्यवधान हो या कोई फ़ोटो न खींच ले इस गलत कार्यों के साथ उन गाड़ियों का, इसलिए अब इसके इर्द गिर्द कोई गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं मिलती, वे दूर कहीं किनारे जा कर के खड़ी रहती। ये सब चीज़ें वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया, और लोगों की हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ जा कर के कोई फोटोग्राफ वीडियो ले सके। लेकिन एक गूगल बाबा है, वहाँ से कोई भी देख सकता है। हम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है उनके द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। खनन विभाग में बहुत सारे अधिकारियों के और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोनभद्र के जिलाधिकारी, इसके पहले सोनभद्र के जिलाधिकारी को भी यहाँ से हटाया गया, उसमें भी यह अवैध खनन का ही मामला था। परंतु परिवहन विभाग पूरी तौर पर आज कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि ओवरलोड बिना नंबर की गाड़ियाँ सरेआम शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर आवाजें करते हुए गुजर रही, परंतु उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कभी भी आप कोई भी आकर के मारकुंडी के घाटी के नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। यह सोन नद का दृश्य है जिसको हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि यह है, कोई भी कहीं पर भी वैश्विक स्तर पर कहीं से भी देख सकता है। विशेष हमारा निवेदन है श्रद्धेय योगी जी से कि उनके अधीन जो शासन के उच्च अधिकारी हैं लखनऊ से ही इन सब चीज़ों को देख लें, और श्रद्धेय योगी जी को भी इस बारे में अवगत करा दें कि ऐसा कुछ हो रहा है। आखिरकार यह सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ से रिपोर्टें शासन स्तर पर किस प्रकार की दी जा रही हैं, क्या सोन नद के, जिसको नद हम इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र और सोन ये दोनों नद हैं, अन्य इसके अलावा भारतवर्ष में जो कुछ भी हैं वे नदियां हैं, पुल्लिंग में आते हैं, आमतौर पर इसको लोग नदी ही बोलते हैं, तो किसी प्रकार का भ्रम न हो तो आपको बता दूं। देखें आप यहां पर यह वीडियो आप देखें, सोन नदी को नीचे से लिया गया वीडियो, और यह वीडियो उन्हीं लोगों में से किसी ने हमें उपलब्ध करा दिया है। वैसे वे लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, जो लोग गजब का गठजोड़ होता है, अवैध संबंध तो कभी टूटते ही नहीं, टूटते तो वैध संबंध ही हैं, तो अवैध कार्य करने वालों का यहाँ पूरी तौर पर बोलबाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोन नद को बांध दिया गया है, और इस पर न तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी प्रकार की आवाज़ उठाई जाती है, न तो किसी प्रशासन के द्वारा, और किसी की हिम्मत भी नहीं इस एरिया में जाकर के वीडियो बना लें। अगर कोई पहुंचता है तो वहाँ के लोग सीधे सीधे इस बात को कहते हैं कि आप किसके परमिशन से आ गए। ऐसा लगता है जैसे हम भारतवर्ष में नहीं बल्कि कहीं विदेश में चले गए हैं, वीज़ा की डिमांड हो रही है। इस कारण से लोग इन क्षेत्रों में स्थानीय लोग भी नहीं जाते, सीधे सीधे लोगों के द्वारा सवाल, और बहुत सारे लोग घूमते टहलते रहते हैं। अगर किसी ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं, उससे जुड़ा हुआ यह रास्ता है, जो इन रास्तों पर अक्सर ही दुर्घटनाएं हो रही, लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, जो शांति सुकून था सब कुछ छिन चुका है। बारिश का मौसम आ गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी इस तरह की रोड, जिस तरह की सड़कों की स्थिति बन गई है, इस पे मिट्टी के छोटे छोटे जो ऊंचाई में लिए हुए टीले टाइप बन गए हैं, उन पर मोटरसाइकिल या बाइक स्लिप करेगी, लोग गिरेंगे और काल कावलित होंगे। यह स्थिति है चोपन से भरहरी मार्ग का, जो इसी मार्ग पर आगे जाकर के अवैध कार्य को, अवैध बालू के खनन को पूरी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन रोकेगा, देख लें आप क्या दशा हो सकती है। अभी आपके सामने जो ये फोटोग्राफ्स है दुर्घटना को दावत दे रही है, और जैसे ही बारिश होगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसपास के लोग इसको लेकर के तबाह हैं, परेशान हैं, लेकिन इनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। कहाँ सुना जाएगा, कौन सुनेगा, कौन करेगा। अब लोगों को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है, विश्वास है कि ज़रूर वे अपने स्तर पर इन
खननकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि सोनभद्र में शांति बनी रहे। जय हिंद।